सभापति महोदय, आज मेरा खुश हुआ है दिल, क्योंकि एससी एसटी रिजर्वेशन का पास हो रहा है बिल। रविशंकर प्रसाद जी और हम सब कर रहे मोदी सरकार का मजबूत फील। रविशंकर प्रसाद जी और हम सब मिलकर मोदी सरकार का मजबूत कर रहे फील। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही है हमारा डील। तो आज ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक दिवस है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन देने का निर्णय ले लिया था। 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% आरक्षण आदिवासियों के लिए, और मतलब लोकसभा में और विधानसभा में ये रिजर्व सीटें रखने का निर्णय हुआ था। और इसीलिए मतलब बहुत सारे MP लोकसभा में मतलब चुनकर आते हैं, विधानसभा में चुनकर आते हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, लेकिन राज्यसभा में और विधान परिषद में भी रिजर्वेशन होना चाहिए। इसी तरह की भी बहुत सालों की मांग है। उसके साथ साथ मंत्रिमंडल में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, मतलब नहीं नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन के मुताबिक रिजर्वेशन होना चाहिए। और जब 1950 का पॉपुलेशन 15% था, सभापति महोदय अभी 16.4% रिजर्वेशन SC का है, 8.6% रिजर्वेशन ट्राइबल का है। इसीलिए ये सीटों में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है। मतलब अगर पॉपुलेशन के मुताबिक अगर रिजर्वेशन रखा था 22.5%, तो अभी 25% रिजर्वेशन हुआ है, तो भी मतलब रिजर्वेशन बढ़ाने की आवश्यकता है। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट होती है, 543 सीटें इलेक्टेड होती है, 2 सीट एंग्लो इंडियन के लिए होती है। अभी एंग्लो इंडियन इधर है ही नहीं है, मतलब सब इंडियन इधर है, एंग्लो इंडियन कहाँ चलाएंगे, तो मतलब एंग्लो इंडियन इधर ज़्यादा नहीं है। और इसीलिए मतलब उनकी सीटें दो अगर अभी रद्द करने का ये बिल में प्रावधान है, तो मेरी मांग ऐसी है कि सिंधी समाज जो है सिंध प्रांत से भारत में आया था, और बहुत सारे लाखों करोड़ों की संख्या में सिंधी समाज के लोग हैं, तो सिंधी समाज के लिए 2 सीट रिजर्व रखने के बारे में भी मतलब विचार रविशंकर जी आपको करने की आवश्यकता है। ये सिंधी समाज अपना ही समाज है, हम सब हिंदी है, वो सब सिंधी है, तो मतलब हम सब हिंदी है, इसी तरह मतलब उनको ये रिजर्वेशन में मिलना चाहिए। और इसीलिए मेरा कहना इतना ही है कि अभी ये 10 साल के लिए रिजर्वेशन में बढ़ रहा है, और ये रिजर्वेशन का पॉलिटिकल रिजर्वेशन बढ़ाने का प्रावधान संविधान में है, और शिक्षा में और नौकरियों में रिजर्वेशन के लिए 10 साल का प्रावधान नहीं है। मतलब वो जो जब तक दलितों में अत्याचार होता है, जब तक जाति व्यवस्था है, जाति व्यवस्था जब खत्म हो जाएगी तब हम आरक्षण छोड़ने के लिए तैयार है। समाज में अच्छा परिवर्तन हो भी रहा है, जोड़ने का काम भी हो रहा है। मोदी जी मतलब संविधान बदलेंगे नहीं, मोदी जी संविधान खत्म नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश हमारी है। मतलब अपोजिशन की जो ताकत है, ठीक है, ये ताकत क्योंकि हम लोकतंत्र में हमको अधिकार है, हमको ज़्यादा सीटें चुनकर लाने का। इस बार 303 सीटें आई थी NDA की, 353 सीटें आई थी, अगली बार 400 के ऊपर हमारी सीटें आएगी, और हमारी सीटें बढ़ती जाएगी, कांग्रेस सीटें कम कम होती जाएगी। और इसी तरह मतलब ठीक बात, आप भी कोशिश करो, लेकिन जब तक मैं इनके साथ हूँ तब तक तुम्हारा कुछ चलने वाला है नहीं है। राइट रामदास जी, इसीलिए मतलब आपका चलेगा नहीं। जब मैं आपके साथ था तब आपकी गाड़ी अच्छी चलती थी, लेकिन मैं उधर से आ गया तो एक चक्का के गिर गया और गाड़ी आगे नहीं चल रही है। और इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद रामदास। और हमारी सरकार संविधान को बचाने वाली है, हमारी सरकार संविधान की सुरक्षा करने वाली है, और मोदी जी संविधान को पूर्णपणे मजबूत करने के लिए यहाँ मतलब आए हैं। ये संविधान को कोई धक्का बिल्कुल नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद जी, जय भी गुलाम नबी आजाद जी।